जहाँ दारू उपलब्ध है अनलिमिटेड रूप में, समझे जनता दल यू का शासन चल रहा है। अच्छा, मतलब दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है तो समझे जेडीयू का शासन। जेडीयू का शासन है तो यहाँ जहाँ दारू उपलब्ध है अनलिमिटेड वो जदयू है, क्योंकि जदयू के पदाधिकारी शराब के बड़े खेप के साथ पकड़े जाते हैं, शासन कार्रवाई करने के बजाय उन अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाती है। ऐसे लोग भाजपा में सटेंगे तो आरक्षण से कटेंगे, आरक्षण से कटेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन देखिए आए दिन लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है। बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि छपरा और सिवान से एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई, जहां पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के आँख की रोशनी चली गई। और देखिए अब छपरा और सिवान के बाद अब मुजफ्फरपुर से एक बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही है। देखिए कई लोगों के आँखों की रोशनी चली गई है। मुजफ्फरपुर जिले के जिस गाँव में ये घटना घटी है उस गाँव में मातम पसरा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए किस तरीके से गांव में मातम पसरा हुआ है। देखिए एक सेकेंड कुछ वही तो बताए, अभी रुक जाओ। मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जी। छपरा सिवान के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले में देखिए बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, पर एक पैरलर इकोनॉमी है बिहार के अंदर में, सत्ता संरक्षित। जनता दल यू जहां दारू उपलब्ध है अनलिमिटेड रूप में, समझिए जनता दल यू का शासन चल रहा है। अच्छा, मतलब दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है तो समझिए जेडीयू का शासन। जेडीयू का शासन है तो यहां जहां दारू उपलब्ध है अनलिमिटेड वो जदयू है, क्योंकि जदयू के पदाधिकारी शराब के बड़े खेप के साथ पकड़े जाते हैं, शासन कार्रवाई करने के बजाय उन अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाती है। सिर्फ सवाल मुजफ्फरपुर में आग की रोशनी जाने का नहीं, इसके पहले याद करिए नवादा में आग की रोशनी गई थी, गोपालगंज में आग की रोशनी गई थी, इससे पहले मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से मौत हुई थी। भाजपा सांसद के द्वारा जो ऐच्छिक कोष से दिए गए जो एम्बुलेंस से उससे धोए जा रहे थे शराब की खेपे, ये सत्ता संरक्षित शराब का व्यापार नहीं तो और क्या है। हाल ही के दिनों में आपने छपरा में देखा, सिवान में, कि बड़े पैमाने पर जहरीली शराबे से मौत हुई। क्रांत की स्थितियां उन घरों में साफ मातम के रूप में छाई दिखाई पड़ी, जिनके घर के सपूत छीन लिए गए। तो शराबबंदी ये जो कानून है ये पूरी तरह से फेल है बिहार के अंदर में। जब शराब माफियाओं के साथ एक अन्य मार्ग में फोटो खिंचाया जाएगा तो शराबबंदी कानून लागू कैसे होगा। उत्तर बिहार का एक बड़ा मंत्री जिसके भाई के स्कूल में शराब की बड़ी खेपें पकड़ी जाती है, बोचहा के थाना में कांड दर्ज होता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर शराबबंदी कानून लागू कैसे रहेगा। तो बिहार में शराबबंदी कानून के नाम पर बिहार की भोली भाली जनता के साथ जो क्रूर मजाक किया जा रहा है, कंटेनर से ढोए जा रहे हैं शराब, मिल के कंटेनर से भी शराब ढोए जा रहे हैं। 100-100 खेपे बिहार में आ जाती है, एकाध खेप पकड़ी जाती है, उस पर वाहवाही की जाती है, पुलिस पर हमले होते हैं, शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाते हो तो बिहार में कानून का राज कहाँ है। बिहार में पूरी तरह से शराब माफिया के सामने पुलिस तंत्र ने अपना हथियार डाल रखा है। शासक अचेत हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब भी नीतीश कुमार जी के साथ पार्टिसिपेट करती है सत्ता में तो शराब का अवैध कारोबार फलता और फूलता हुआ दिखाई पड़ता है, यही हालात है बिहार के अंदर में। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं वो लगातार ये बातें कहते नजर आ रहे हैं कि पूरी तरीके से शराबबंदी जो कानून है वो बिहार में लागू है और जो लोग भी शराबबंदी कानून लागू है लेकिन शराबबंदी लागू नहीं है। कानून तो लागू है लेकिन शराबबंदी लागू नहीं है। बोल तो रहे हैं कि जो सहजता के साथ जब हर जगह उपलब्ध है, खुद उनके लाई पार्टनरों ने कई बार शराब
अवैध व्यापार के संदर्भ में सीधा हमला बोला, उसके बावजूद भी अगर कोई सरकार का मंत्री ये कहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून पुख्ता के साथ चल रहा है, तो इससे बड़ी भद्दी मजाक और बिहार के अंदर में कुछ हो ही नहीं सकता है। ये शासन तो बिल्कुल शराब बेचवाने में लगी है। कोई ऐसा थाना बता दीजिए बिहार के अंदर में। एक एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे अगर मौका दीजिए कहिए एक घंटे के अंदर में शराब हम मंगवा देते हैं। ये हालात है बिहार के अंदर में। तो शराब तो हर जगह है, सिर्फ खाली इतना ही है कि सामने दिखता नहीं है, क्योंकि हर जगह मामूल का छाप उस पर लगा हुआ है। अच्छा, चूक कहाँ हो रहा है? एक तरफ जहाँ लगातार सत्ता पक्ष के जो लोग, इसमें चूक शब्द जैसी कोई बात नहीं है। चूक नहीं है, बल्कि सत्ता संरक्षित अवैध शराब के व्यापार को करने की छूट दी गई है। चूक तो वहाँ होती है जहाँ कभी एकाध जगह कोई घटनाएं घट जाती है। यहाँ तो हर जगह, हर इलाके में, हर कस्बे में, हर गाँव में अवैध शराब का कारोबार फलता और फूलता दिखाई पड़ रहा है। कई नशीले पदार्थ, जिससे हमारा जो कमिंग जनरेशन है वो बिल्कुल तहस और नहस होता दिख रहा है। अच्छा शक्ति जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अररिया के जो सांसद थे उन्होंने अररिया में बयान दिया, उसके बाद अररिया में बवाल मचा हुआ। अररिया में कि सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। वो सीमांचल का इलाका जो बड़े पैमाने पर जिनकी आबादी है, उस धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरह के विस्फोट किए गए भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा, ये पूरी तौर से आग लगाने की कोशिश थी। अगर माहौल बिगम ने कहा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कि अगर आपने आँख उठा कर करके देखा और आपने कहीं से कुरफात करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा दिए जाएंगे। आज परेशानी हो रही है, हाथ में त्रिशूल लेकर के घूमते हो, भर छिपा मीट इतना गो टीक, और समझ रहे हो कि हम बहुत बड़ा है हिंदू का ठेकेदार बना हुआ। ये कौन सा हिंदू के ठेकेदार की बात तुम करते हो? सनातन की परिभाषा नहीं जानते हो, सनातन का मर्म नहीं जानते हो, सनातन संस्कार नहीं जानते हो, और हिंदू की एकता। अरे हिंदू जिस दिन भाजपा में सटेगा आरक्षण से कटेगा, इसलिए सटेगा आरक्षण से कटेगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में हिंदू का जो दलित हिंदू समाज है, अत्यंत पिछड़ा हिंदू समाज है, प्रगतिशील वर्ग के लोग हैं जिनको कहीं लोकतंत्र में संविधान में आस्था है, ऐसे लोग भाजपा में सटेंगे तो आरक्षण से कटेंगे। चलिए देखिए, मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में देखिए शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन लगातार ये देखने को मिलता है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। देखिए अब छपरा और सिवान के बाद मुजफ्फरपुर ज़िले से एक बड़ी घटना निकल कर आई है। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाया किस तरीके से जिस गाँव में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हुई है, आंखों की रोशनी चली गई है। हालांकि जो पुलिस है वो इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन देखिए उसके बाद अब बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। देखिए जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही लोग जो शराब है वो बेचवा रहे हैं। वहीं देखिए जिस तरीके से अररिया के जो सांसद थे उन्होंने बयान दिया अररिया में, इसको लेकर अररिया में भी बवाल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर भी इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो दलित हिंदू हैं और जो अत्यंत पिछड़े हिंदू हैं अगर वो बटेंगे तो फिर आरक्षण पर वो अगर वो बटेंगे तो फिर आरक्षण उनका जो है वो कटेगा। और भी क्या कुछ कहना था शक्ति सिंह यादव का, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।